हेलो दोस्तों, एक्टर कैसे बने। अगर आपका सपना एक्टर बनना है तो हम आपको जो तरीका बताए जा रहे हैं उसके तरीके से आप बॉलीवुड हिंदी मूवीज में अभिनेता बन पाएंगे। आपको एक्टर बनने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना होगा इसके बारे में इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। आप इन सभी तरीकों को फॉलो करके एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं। कैसे, सबसे पहला है कि एक्टर बनने की ट्रेनिंग ले। अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको इसके लिए कोर्स करना बहुत जरूरी है। उसमें आपको एक्टिंग से जुड़ी पूरी जानकारी, स्किल्स के बारे में बताया जाएगा, जिससे कि आप प्रोफेशनल तरीके से एक्टिंग कर सकेंगे और इससे आपके सफल होने के चांस बेहद हद तक बढ़ जाएंगे। एक्टिंग के कोर्स और ट्रेनिंग के लिए आप किसी भी एक्टिंग स्कूल या जो क्लासेस होती है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको फीस देनी होगी, जो कि हर स्कूल और हर क्लास की थोड़ी सी अलग होती है। दूसरा है थिएटर ज्वाइन करें। अगर आप कम पैसे खर्च करना चाहते हैं और जल्दी तरक्की करना चाहते हैं तो आपको थिएटर ज्वाइन करना चाहिए, एक बेहतरीन उपाय है। इसमें आपको छोटे पर्दे पर काम दिया जाता है और इससे आप फ्री में सीख सकते हैं। कुछ लोगों का सोचना है कि थिएटर ज्वाइन करना समय की बर्बादी है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े अभिनेता जिन्होंने शुरुआत अपनी थिएटर एक्टिंग से की, इसमें आपको रोजगार मिल जाता है और एक्टिंग भी यहाँ पर सिखाई जाती है। जो तीसरा नंबर है वो है सोशल मीडिया। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप फ्री में अपना टैलेंट लोगों तक दिखा सकते हैं। आज लाखों लोगों को सोशल मीडिया के द्वारा दुनिया को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला है। आप भी पूरा फायदा उठा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना टैलेंट पहुंचाने का प्रयत्न करें। आज के वक्त में सोशल मीडिया पर जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, जैसे सोशल मीडिया नेटवर्क है, इस पर अपना अकाउंट बनाकर वीडियो क्लिप डाल सकते हैं और उसे शेयर कीजिए। इससे आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी और आने वाले चांस में आपको एक्टर बनने का रास्ता भी खुल सकता है। चौथा है रेज्यूम बनाएं। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आपको एक्टिंग का रेज्यूम बनाना बहुत जरूरी है। तो ये सामान्यतः अन्य नौकरी के रेज्यूम की तरह होता है, पर उसमें आपको अपने एक्टिंग करियर के बारे में लिखना होता है। आप किसी भी क्षेत्र में एक्टिंग कार्य कर चुके हैं तो उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ देनी पड़ती है। आपके रेज्यूम में आपके बारे में कोई नई जानकारी या आपने जो काम किया है उसके बारे में आप अपने रेज्यूम में बताते हैं। आपको अपने रिज्यूम को बेहतरीन तरीके से बनाना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा आपका रिज्यूम होगा उतने ही लोग आपसे इम्प्रेस होंगे और आपकी नौकरी या आपकी फिल्म मिलने के आपको चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा, पांचवें नंबर पर है वो है फिटनेस पर ध्यान दें। एक्टर बनने के लिए फिटनेस बहुत जरूरी है। आप खुद कोई मूवी देखते हैं तो उसमें आपने देखो कलाकार कितने फिट नजर आते हैं, क्योंकि अभी इसका एक ट्रेंड है और आप खुद को जितना फिट रख सकते हैं उतना अच्छा होगा, आपके भविष्य में चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। खुद को फिट रखने के लिए आप योग, मेडिटेशन, जिम ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आप खुद को बेहतरीन तरीके से फिट रख पाएंगे और इससे आपके एक्टर बनने के सपने को पूरा होने में भी मदद मिलेगी। दोस्तों, छठा है अपना संपर्क बनाएं। एक्टर बनने के लिए आपके संपर्क होना बहुत जरूरी है। जितनी ऊंचाई पर आपके संपर्क होंगे उतना ही जल्दी आपके एक्टर बनने के चांस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप इसे बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। आपको एक्टर बनना है तो सोशल मीडिया आदि जो लोग होते हैं उनसे आप जुड़ सकते हैं। आप जो फिल्म इंडस्ट्री जुड़े हुए लोग हैं, टीवी हो, फिल्म हो, वहां पर आप उन लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं और उनसे अच्छा सपोर्ट आपको मिल सकता है। सातवें नंबर पर है चेहरे का ध्यान रखें। कोई भी मूवी तभी पॉपुलर होती है जब उसके कलाकार बेहतरीन हो, और आप किसी भी मूवी को देखते हैं तो हमेशा पहले आप इसके कलाकार पर ध्यान देते हैं। ऐसे में जो ज्यादातर खूबसूरत कलाकार होते हैं उनकी फिल्में ज्यादा चल पाती हैं। इसी कारण बॉलीवुड में जाने के लिए सुंदर दिखना बहुत जरूरी है। सुंदर दिखने के लिए अगर आप कॉस्मेटिक का उपयोग भी करने की सोच रहे हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि कई डुप्लीकेट्स कॉस्मेटिक
आपके पूरे चेहरे को खराब कर सकते हैं। इसलिए आप चेहरे संबंधित किसी भी दवाई या क्रीम आदि का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें, या मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं वो आपका चेहरे का ध्यान रख पाते हैं। दोस्तों आठवां है, ऑडिशन में हिस्सा लें। बॉलीवुड में हीरो बनने के लिए ऑडिशन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के माध्यम से आपका टैलेंट लोगों के सामने जाता है, लोग आपको पसंद करने लगते हैं। ऐसे में आपके एक्टर बनने के चांस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। अगर आप एक्टर बनना तो इसके लिए आपके अंदर जो भी टैलेंट है उससे जुड़े हर ऑडिशन में आप पार्टिसिपेट कीजिए, बेहतर प्रदर्शन कीजिए, जिससे कि आपके फिल्म प्रोड्यूसर या डायरेक्टर की नजर में आ जाएंगे और इससे आपको रोल मिलने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। नौवे नंबर पर है एडवर्टाइजिंग एजेंसी जुड़े। आपने किसी भी फिल्म में या टीवी सीरियल में देखा होगा कि कई छोटे छोटे एड्स आते हैं, उसमें आप अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं, वो भी सिर्फ एक मिनट का समय मिलता है। इसमें आपको अपनी एक्टिंग बहुत बेहतरीन तरीके से दिखानी पड़ती है। कई सारे एक्टर हैं जिन्होंने छोटे छोटे टीवी सीरियल से पहले या फिल्म से पहले एड्स में काम किया है, तो ऐसे में एडवर्टाइजिंग एजेंसी से जुड़ने के बाद कई लोगों को सीरियल में काम मिलने का मौका मिलता है और कई लोग इसमें काम करके भी बॉलीवुड फिल्मों में काम करते रहते हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको एक बेहतरीन प्लेस मिल जाएगा इसके जरिए। दसवें पर है मॉडलिंग। मॉडलिंग आज के समय में एक ऐसा फैशन बनता जा रहा है कि हर व्यक्ति मॉडलिंग करना चाहता है, क्योंकि इसके बाद उन्हें बड़े पर्दे पर रोल मिल जाता है। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक सबकी नजर एक अच्छे मॉडल पर होती है। जो भी अच्छा मॉडल होता है उसे जल्द ही किसी फिल्म में काम मिल जाता है, जिसकी वजह से एक्टर बनने के चांस मॉडलिंग के जरिए उसके आसानी से बन जाते हैं। आप भी किसी मॉडलिंग में हिस्सा ले सकते हैं और जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की नजर में आएंगे और जिससे आपको फिल्म में रोल मिलने के चांस या बॉलीवुड में इंडस्ट्री में एंट्री करने का चांस आपके बढ़ जाएंगे। दोस्तों 11 नंबर पर है इंडस्ट्री में पहचान बनाए। अगर आपको एक्टर बनना है तो इसके लिए आपको इंडस्ट्री में पहचान बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस फील्ड में लाखों लोग बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं पर सबका सपना पूरा नहीं हो पाता है। अगर आपकी इंडस्ट्री में अच्छी पहचान बन जाती है तो आपको आसानी से एक्टर बनने का अवसर मिल सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक्टर के बेटे को बहुत ही आसानी से एक्टर बना दिया जाता है या बन जाता है, तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्टर बनने के लिए पहचान कितने मायने रखती है। तो दोस्तों ऐसे में अगर आपको बॉलीवुड में एंट्री करनी है, एक्टर बनना है, तो आपको इन टिप्स को फॉलो करना होगा, तभी आप बेहतरीन एक्टर बन पाएंगे। ये एक प्रोसेस होता है एक्टर बनने के लिए या एक्ट्रेस बनने के लिए, जिसे आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर बताइएगा, सब्सक्राइब में लास्ट में कहता हूं, अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज चलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।